सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिलाध्यक्ष गब्बर सिंह को पार्टी के सदस्यता अभियान का स्टेट चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आंदोलन को समर्थन देने तथा बिहार में किसान आंदोलन को और तेज करने का संकेत देते हुए कहा कि काले कृषि कानून को किसानों पर जबरन थोपा जा रहा है। कृषि और कर कानून के लिए राज्य सरकार को विशेष अधिकार है जिसको केंद्र सरकार जबरन लोगों पर थोपना चाहती है। इसके लिए हमारी पार्टी 29 दिसंबर को किसानों के साथ राजभवन मार्च करेगी और राज्यपाल से मिलकर इसे वापस लिए जाने की मांग करेगी, और इसे जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नए कृषि कानून का विरोध करती रहेगी। डिग्री होल्डर और एक है पूरब साइड से जो नोएडा से जाता है वो तीन होल्डर को अभी जाम किया है। तो इससे किसान का केवल मुद्दा नहीं है, किसान का भी नुकसान होगा और पूरा देश में लूट का भी बात होगा। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, हमारे 1,00,000 से ऊपर कार्यकर्ता पदाधिकारीगण जिलाध्यक्ष 38 जिला में जिलाध्यक्ष की ये सब जिम्मेवारी हमें मिली है। इसके समक्ष हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाया है और आप तमाम पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय दिया हम लोगों के लिए। हमारे बीच जो पदाधिकारी जो पहुंचे हुए हैं, दिल्ली से आए हमारे अमरेश कुमार जी राष्ट्रीय सचिव हैं, जो दिल्ली आज की डेट में किसान का जो आंदोलन चल रहा है वहाँ इनकी भूमिका अहम भूमिका में है और इन्होंने कहां तक जाके किसानों के साथ आंदोलन में अपना सहायता दिया हुआ है। देखिए, अभी जो कृषि कानून का जो ये तीन बिल लाए हैं ये गैर संवैधानिक है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, सब आप लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि कृषि संबंधी जो कानून बनाने का पावर है वो राज्य सरकार का है और राज्य सरकार के पावर को केंद्र ओवरलैपिंग करने का कोशिश कर रहा है कि एक सेंट्रल कानून बना दिया जाए, क्योंकि राज्य में किसानों के लिए अलग अलग परिस्थिति है। उसमें तो है ये नियम कि राज्य सरकार चाहे तो लागू करे चाहे तो नहीं करे। तो अभी तो सरकार उसका है, तो वो पूरे जगह पर एक स्पेस अभी भी है, वो स्पेस आपको ऐसे ब्लैंक स्पेस है, आप जैसे कोरा कागज था, ये मन मेरा लिख दिया नाम तुझे तेरा। एक्ट में भी ये प्रावधान था कि जो सरकार लागू करना चाहेंगे लागू करेंगे, जो सरकार नहीं लागू करना चाहेंगे, जीएसटी एक्ट 2017 में हुआ क्या, 6 महीना के अंदर में कुछ सरकारों को डरा के कुछ सरकारों को